अयोध्या दास स्काउट गाइड कुटीर सिविल लाइन के स्वयंसेवकों द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन के अवसर पर महानगर में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को भारत स्काउट और गाइड के जिला मुख्य आयुक्त डॉ. अरुण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी बाबा भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी प्रतिमा होते हुए हरिओम नगर पर आकर के समाप्त हुआ, जिसके संबंध में भारत और स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त डॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य यह है कि हमें उन पलों को याद करना है जिनसे भारत की आज़ादी का इतिहास जुड़ा हुआ है, और साथ ही डिजिटल तरीके से राष्ट्रीय गान को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गाना भी एक उद्देश्य है। इस अवसर पर प्रादेशिक संगठन आयुक्त नौशाद अली सिद्दीकी, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट अजय कुमार सिंह, जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड दुर्गावती धूसिया, सत्यानंद शर्मा, अजय गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट ओम प्रकाश, किरण देवी, सूरज चंद गौतम, श्यामू सिंह, जय हिंद विश्वकर्मा, अभिजीत गौड़, संदीप कुमार, राहुल कुमार, शिवम गुप्ता, सौरभ कुमार, अभय गौड़ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मुख्य आयुक्त उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड जिला संस्था गोरखपुर। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत एक सप्ताह का ये विशेष अभियान अपने महापुरुषों को, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करने के लिए मनाया जा रहा था। इसका यह अंतिम दिवस है उस सप्ताह का, तो आज ये रैली स्काउट गाइड भारत स्काउट गाइड की तरफ से निकाला जा रहा है, जो विभिन्न चौकों पर जा कर के महापुरुषों को माल्यार्पण करेगी और उनको नमन करेगी। ये हमारे स्काउट भवन से निकलते हुए अम्बेडकर चौक, यहाँ से फिर शास्त्री चौक, शास्त्री चौक से फिर टाउन हॉल गांधी प्रतिमा पर, वहाँ पर माल्यार्पण होगा, फिर इंदिरा बाल विहार पर जो है माल्यार्पण, और फिर हरिओम नगर तिराहे पर आकर के रैली समाप्त होगी।